डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम मौजूद हैं सदर में, और सदर में एक मशहूर गली है बोतल गली, इसमें हम मौजूद हैं। ऑलरेडी मैंने इतर भी परचेज कर लिए हैं यहाँ से, और इस गली की जो क्वालिटी है वो ये है कि यहाँ पे बोतल से लेके परफ्यूम का हर तरह का माल आपको परफ्यूम का यहाँ पे मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग परफ्यूम की। और इस गली में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको इस गली में तमाम खुशबुएं, इस गली में आपको खुशबू आती है। और सबसे ज्यादा जो क्वालिटी है यहाँ की वो ये है कि होलसेल का काम है, लेकिन आपको सिंगल पीस भी यहाँ पे मिलता है। तो आए मैं आपको थोड़ा सा इस गली का ओवरव्यू देता हूँ, और मेरे साथ रहिएगा, आपको इंशाल्लाह इस गली का पूरा वॉक ओवर देता हूँ। मैं मौजूद हूँ एक बोतल की शॉप पे। शॉप जो है वो बिल्कुल गली के सामने, क्या नाम है, रुकनुद्दीन बॉटलर स्टोर। और इनसे बात करते हैं, अंकल से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे थोड़ा सा बताएं इस गली के हवाले से, और कितने अरसे से ये कारोबार आप कर रहे हैं, और इस गली की क्वालिटी क्या है, क्या क्या आइटम यहाँ पर मिलता है, और आपका कारोबार जो है वो किस हवाले से? हमारा तो प्लास्टिक की बोतलों का आइटम है, ठीक है। इसमें हर किस्म के प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है, ठीक है। डॉक्टरों की, हकीमों की, ब्यूटी पार्लर की, मेडिसिन की, क्रीम वगैरह, ये वो सब चीज़ों की दवाई मिलती है, ठीक है। खाली एम्प्टी बोतल है। और आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम तकरीबन 30 साल से काम कर रहे हैं। 30 साल से काम कर रहे हैं। और इस गली को बने हुए कितना अरसा हो गया, यानी कि आप? तो बहुत पुरानी है, पहले ये हिंदुओं के ज़माने में आबाद थी, जब वो चले गए तो फिर यहाँ मेमन लोग आ गए, दूसरे मुसलमान आ गए, उन्होंने फिर उसी कारोबार को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले की, और इस गली में ये भी देखोगे आप, ये पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। जैसे ये अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। और इस गली में जो है वो सप्लाई भी होती है पूरे पाकिस्तान में, या सिर्फ कराची में होती है? पाकिस्तान में सप्लाई होती है, ये मशहूर है बोतल गली के नाम से, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में मशहूर है बोतल गली, ठीक है। यहाँ हर किस्म की बोतल मिल जाती है, छोटी बोतल से लेके बड़ी बोतल तक, हर किस्म की बोतल, हर चीज़ की बोतल, ठीक है।